रोज तो नहीं, लेकिन हनुमान जी का बचपन से ही हनुमान जी का भक्त रहा हूँ मैं। ये देखिए, हम नेता नहीं हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, तो ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, ये हमारी वीकनेस भी है। हम शुरू से ही देश के लिए काम करते रहे, पहले राजनीति में आए थे, उसके पहले 10-12 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों में काम किया था। इनकम टैक्स की नौकरी करता था, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में कई दिन रहा मैं, वहाँ पे काम किया। उस वक्त भी यही था कि देश आगे बढ़ना चाहिए। फिर अन्ना आंदोलन हुआ, तब तक तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आएंगे। 10 साल के अंदर 2 राज्यों में हम कैसे आए? क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं वो इस देश की जनता को छू रही है, उसके दिल को छू रही है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छू रही है। हम कहते हैं कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके घर में हर आदमी के इलाज की अच्छी व्यवस्था करेंगे, फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। ये हर आदमी चाहता है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखा दिया, लोगों ने देखा कि ये बातें नहीं करते, ये एक्चुअली काम करते हैं। बस यही बातें लोगों को छू रही है। आज तक 75 साल में भारत की राजनीति के अंदर किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, तुम्हारी बिजली ठीक करूंगा, तुम्हारा पानी ठीक करूंगा। किसी ने नहीं कहा। मुझे दुख इस बात का भी होता है कि 75, अगर हमने 5 साल में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी ठीक कर दिए, 75 साल के अंदर इन पार्टियों ने क्यों नहीं किया? ये तो एक प्रश्न उठता है, ये भी कर सकते थे, पर इन्होंने लूटने के सिवा, बाकी पार्टियों ने, नेताओं ने देश को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया।